स्वाति श्रीवास्तव। शुरुआत बड़ी खबर के साथ, उत्तरकाशी सिलक्यारा टनल मामला, भूस्खलन में मजदूरों के फंसने का मामला। बता दें कि 3:45 बजे टनल में फिर से पहाड़ टूटकर गिरा है। हादसाग्रस्त टनल से आई है चट्टान टूटने की आवाजें। ताजा लैंडस्लाइडिंग से टनल के रेस्क्यू हिस्से में हड़कंप मच गया। टनल के M150 और M302 के बीच लैंडस्लाइडिंग हुई है। भूस्खलन के बाद पाइप से संवाद भी रुका हुआ है। फिलहाल शाम के बाद से वहां पर फंसे मजदूरों से कोई बातचीत नहीं हो सकी। हालांकि बीच में एक ऑडियो जरूर आया था, लेकिन अब जिस तरीके से ये बड़ी अपडेट आई है, इससे बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। और नरेंद्र मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, लगातार स्थितियां विकराल होती जा रही और अब तो संवाद भी नहीं स्थापित हो पा रहा है मजदूरों से। जी बिल्कुल, सुबह करीब 9:54 के बाद जो काम है रेस्क्यू का वो रुक गया। जो ऑगर मशीन है उसने काम करना बंद कर दिया। और अब जो 8 बजे एक अपडेट रिपोर्ट आई है, उसमें ये साफ लिखा हुआ है कि 3:45 बजे इसी हिस्से में जहां पर पहले पहाड़ गिरा था, उसी में पहाड़ के टूटने की जो आवाजें हैं वो सुनाई दी हैं। और जो इस पूरे प्रोजेक्ट के मैनेजर हैं, उन्होंने ये एक्सप्लेन किया है कि यहां पर फिर से जो मलबा है पहाड़ का वो गिरा है, जिसकी वजह से वहां जो पाइप की पुशिंग का काम है वो भी बंद हो गया। इसके अलावा जो परिजन हैं उन मजदूरों के, उनसे हमने बात की तो उन्होंने बताया कि शाम से जो परिजनों की बातचीत होती थी एक पाइप के जरिए, वो बातचीत भी नहीं हो पा रही है। इसके अलावा एक सबसे गंभीर बात यह है कि अगर वहां पर और मलबा गिरा है तो निश्चित तौर पर इस मलबे का जो दायरा है वो भी बड़ा होगा और इससे जो मुश्किलें हैं वो और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। फिलहाल सुबह 9:45 बजे के आसपास से जो काम है पाइप को अंदर इंजेस्ट करने का वो रुका पड़ा है। तो वैसे ही कई घंटों से जो मजदूरों के परिजनों की उम्मीदें हैं वो धीरे धीरे करके दम तोड़ रही हैं। दूसरी तरफ और टनल के अंदर जो मजदूर हैं वो वहां फंसे हुए हैं, उनको लिए खाने पीने की जो व्यवस्था है वो नाकाफी है। 6 दिन का वक्त हो चुका है और कल सुबह जब सूरज उगेगा तो 7वां दिन हो जाएगा। ये कहा जा रहा है कि इंदौर से जो ऑगर मशीन आएगी उससे फिर आगे का काम शुरू होगा, लेकिन ये सब कुछ कब हो पाएगा कुछ फिलहाल तो बहुत बड़ी उम्मीद है नरेंद्र, लेकिन जो ताजा स्थिति जिससे आप फिलहाल अवगत करवा रहे हैं वो अपने आप में बहुत ताज्जुब करने वाली है, चौंकाने वाली है। और सबसे बड़ा सवाल नरेंद्र इस पूरे मामले में भी कि अधिकारियों ने चुप्पी साध रखी है, कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। क्या आपकी किसी तरह से उनसे बातचीत हो पाई है, क्या उनका कहना है? देखिए, यहाँ पर जो अधिकारी हैं जो ऑफिशियली बात करते हैं मीडिया से, वो बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोलते। वो पहले से तैयार की हुई जो चीजें हैं केवल उन्हीं को दोहराते हैं। लेकिन बहुत सारे इसी रेस्क्यू में काम करने वाले अनुभव वाले ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि जिस तरीके से ये काम चल रहा है ये बेहद गलत है और ये बहुत ज्यादा समय लेगा और इसके कामयाब होने की जो संभावनाएं हैं वो भी काफी कम है। इससे बेहतर ये होता कि यहाँ पर बड़ी तादाद में जो यहाँ से मलबे को हटाने का काम है वो किया जाना चाहिए था। तो 6 दिन में कितना भी मलबा अगर ऊपर से गिरेगा तब भी एक बहुत बड़ा हिस्सा मलबे का यहाँ से हट चुका होता, तो कम से कम जो परिजन यहाँ खड़े हुए हैं उनको इतना दिखता कि कहीं कोई काम तो हो रहा है। इसके अलावा जो मजदूर अंदर फंसे हुए हैं उनको भी ये जानकारी रहती कि हाँ कहीं कोई रेस्क्यू का काम बड़े पैमाने पर चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल नरेंद्र, अब तो सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो प्राथमिकता है उनकी सांसें थमे ना, रुकी ना रहे, पूरी तरीके से ऑक्सीजन उनको पर्याप्त मात्रा में मिल पा रही है या फिर नहीं, क्योंकि अब तो संवाद भी नहीं कायम हो पा रहा है, अब सवाल इस पर भी है। देखिए, जहां तक ऑक्सीजन की बात है तो आज जब सवाल ये पूछा गया कि वहां पर ठंड की क्या स्थिति है, तो जो इस परियोजना से जुड़े हुए अधिकारी हैं उन्होंने कहा कि ठंड वहां पर नॉर्मल से जितना बाहर रहती है उससे काफी कम है, इसलिए उन मजदूरों को बहुत ज्यादा कपड़ों की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि चाहे वो 2 किलोमीटर का एरिया हो लेकिन
वो अब इस समय चारों तरफ से कवर्ड है, तो ऐसे में ऑक्सीजन की दिक्कत जो है वो निश्चित तौर पर आएगी। और आप वैसे ही सोचिए कि जहां पर पर्याप्त खाना पानी ना हो उससे कैसे काम चलेगा, जो भोजन वहां पर दिया जा रहा है वो ड्राई फ्रूट्स वगैरह है, वही एक पाइप के जरिए वहां तक प्रेशर से भेजे जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इसको खाकर कितने दिन तक जिंदा रहा जा सकता है, या फिर सामान्य स्थिति इसको कैसे कह सकते हैं, तो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह जो है नरेंद्र। आमतौर पर इस तरह के जो टनल्स होते काम होते, और उत्तराखंड पहाड़ी एक राज्य है, भौगोलिक परिस्थितियां सभी से वाकिफ है, और ऐसे हादसों की संभावनाएं भी बहुत ज्यादा बनी रहती है। सवाल ये है, क्या कोई विकल्प नहीं तैयार किया जा सकता था इससे पहले? अगर पर्याप्त इंतजाम होते, उपकरणों पर जोर दिया जाता, तो शायद इतना वक्त भी नहीं लगता इनके पास। नरेंद्र, देखिए बहुत सारे सवाल हैं इस पूरी परियोजना को लेकर भी। सवाल है कि जहां पर ऐसी परियोजनाएं होती हैं, जहां पर इतनी बड़ी टनल खड़ी की जाती है, उससे पहले वहां की जो पारिस्थिति है वो देखी जाती है, और जो इस भूविज्ञान से जुड़े हुए जो लोग हैं वो सब चीजें को समझते और उसको एनालिसिस करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर यहाँ पर ऐसे हालात थे कि यहाँ पर भूस्खलन हो सकता है, और अमूमन होता है, तो ये देखा जाना चाहिए था कि क्या यहाँ पर टनल बनाना सही होगा, और क्या ये आगे भविष्य के लिए कोई खतरा तो नहीं बन जाएगा। लेकिन वो जो आहट है वो हो चुकी है। 40 मजदूरों की जान 6 दिनों से 70-80 मीटर की एक मलबे की दीवार है उसके पीछे फंसी पड़ी है, और मदद के लिए अभी तक ये जाने अधर में लटकी हुई है। नरेंद्र, दैवीय आपदा से दैवीय चीजों से जोड़कर भी लोग वहां पर देख रहे हैं, उनको उन लोगों का ये भी मान्यता है, मान्यताएं से जोड़कर लोग देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं देवताओं को पूरी तरह से नाखुश करके इसका निर्माण किया जा रहा था, शायद इन तमाम चीजों को भी लोग जोड़कर देख रहे हैं। नरेंद्र, वहां पर देखिए स्थानीय लोगों की अपनी आस्थाएं हैं, तो उनको भी एक एंगर रहता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जहां पर ऐसे कच्चे पहाड़ हैं वहां पर अगर टनल बनाया जा सकता है तो वो कितना मुश्किल होगा, और क्या वो वाकई कामयाब होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो कहीं ना कहीं इस पूरी घटना के बाद ऐसा लगता है कि बहुत जल्दबाजी की सरकारों ने, और इसके अलावा जो उन प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई कंपनियां थी, एक तरीके से जो पैसा है वो डकारने की होड़ जैसा दिखता है। और सबसे बड़ा सवाल कि 6 दिन हो गए, कोई इस पूरे घटना की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार ही नहीं है, और प्रयास जो है वो जमीन पर कम, केवल हवा में और कागजों में, और जो रिपोर्ट बनकर आ रही है ब्रीफ के तौर पर, उसमें ज्यादा दिखाई देते हैं। धन्यवाद आपका नरेंद्र, जानकारी देने के लिए।